Well, तो कैसे हो यादरम के चाहने वालों, आज मैं आपको अपने आसपास के गांव में हो रहे दुर्गा पूजा से लेकर अपने पूरे टाउन में जितने भी पूजा मंडप है सारे दिखाने वाला हूं। इनमें से जितने भी दिन में शूट किए गए हैं सारे श्री श्री आयथन यानी कि माता जी के मंदिर के, और रात के ऑब्वियसली पूजा मंडप के। तो देर किस बात की गाइस, टेक्निकल गुरु जी को याद करते हैं और शुरू करते हैं, मतलब चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये है सर्वजनीन श्री श्री ताम्रेश्वरी आयथन, और यहाँ धेमाजी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा होता है, और इतना बड़ा होता है कि गाइस इसके लिए एक जनरल फील्ड की जरूरत पड़ जाती है। मतलब गाइस ये पूजा जिस भी जगह पर हो रही है ना गाइस, वो एक बहुत ही बड़ा जनरल फील्ड है। वैसे हम दिन को गए थे बोल करके यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं दिख रहा, वरना गाइस यहाँ पर ताबड़तोड़ भीड़ होता है। मतलब दिन के मुकाबले रात में ये भीड़ 10 गुना बढ़ जाती है। तो सोचो गाइस यहाँ किस लेवल की भीड़ होती होगी। और पूरे एरिया का एक चक्कर काटने के बाद हमें फील्ड के बीचों बीच काफी सारे लोग इकट्ठा होते दिखते हैं, और पास जाकर जब हम देखते हैं तो वहां हो रहा होता है औरतों का रस्सी खिंचम खिंचाई खेल। और रिसेंट ताम्रेश्वरी आयथान से निकलकर हम पहुंच गए दूसरे ताम्रेश्वरी आयथान में, पर भयंकर उसके मुकाबले यहाँ पर तो दुगनी गंदगी मची हुई थी। मतलब साफ सफाई की बात करूं तो वो मुझे ज्यादा कुछ ठीक नहीं लगा। खैर हम आए थे आयथान के दर्शन करने और थोड़ा बहुत पूजा घूमने, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पूजा कैसे चल रही है। और जैसे ही हम वहां से निकले हमें राइट एंड लेफ्ट में धान की खेती वाली हरियाली और बीच का सड़क मक्खन वाला मिला, और फिर हम अंदर के गांव से होते हुए हमारे दिन के लास्ट डेस्टिनेशन घाघरा विलेज के पूजा मंडप पहुंच गए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वहां के नजारों का कोई मुकाबला नहीं। तो गाइस अभी तक आपने देखे दिन के शॉट्स, और अब आप देखने वाले रात के धमाकेदार वाले सीन। एंड ट्रस्ट मी गाइस, रात के सीन तो खतरनाक वाले सीन है। तो चलिए शुरू करते एक एक करके रात के धमाकेदार सीन। तो शुरुआत करते अपने घर के नजदीकी पूजा मंडप नवज्योति बॉयज क्लब से। और ये है आदर्श यूथ बॉयज क्लब का पूजा मंडप, जो कि नवज्योति बॉयज क्लब के पूजा मंडप से थोड़ी ही दूर में है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पूजा कैसा क्या चल रहा है। जैसे ही हम टाउन पहुंचे वहां मैंने लोगों की भीड़ इतनी देखी भाई, मैं तो दंग रह गया। गाइस इतने सारे लोग, मतलब भीड़ की आतंक मची हुई थी। वैसे गाइस ये भीड़ होना तो लाजमी है, क्योंकि 2020 और 21 में कोरोना की वजह से ना गाइस पूजा बंद पड़ा था, और शायद इसीलिए लोगों का भीड़ देखने को मिला है। और अब आप जिस पूजा मंडप को देखने वाले हो उसे लोग सेल्फी पूजा मंडप कह रहे थे, क्योंकि वहां गाइस सेल्फी क्लिक करने के लिए एक फोटो क्लिक सेट बनाया गया था, जिस पर एक स्कूटर को सजाया गया था, और साथ में ही मतलब बगल में फूलों से बना एक फोटो फ्रेम भी था, जहां लोग भर भर के फोटोज क्लिक कर रहे थे यार। Thank you.
तो गाइस अभी हम जा रहे हैं दुर्गा विसर्जन के लिए अपने लौंडे के साथ। ये और मैं, मेरे माथे से मतलब ये जो टीका है ना गाइस, ये हट चुका है, इसके माथे पर है फेविक्विक से चिपकाया गया। तो अभी हम जा रहे हैं दुर्गा विसर्जन दिखाने, दुर्गा भाषण बोलते हैं हम अपने लोकल लैंग्वेज में। आपको सिलापतार के जितने भी होंगे ना गाइस मंडप, सारे मंडप के जो विसर्जन है उनको दिखाने की कोशिश करेंगे जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा। तो मौसम भी गाइस बारिश देने की मतलब कगार पर है, देखते हैं क्या होता है, जाकर आपको एक एक करके दिखाएंगे। चलो यार देखो, वीडियो को एंजॉय करो। दुर्गा पूजा का सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी चारों सीन को गाइस एक साथ मर्ज करके ये व्लॉग बनाया, तो देखो एंजॉय करो। का दुर्गा पूजा भी खत्म, मिलेंगे गाइस अगले साल में, तब तक के लिए अलविदा।